हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइस, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। एंड गाइस, ये अपनी VXI मॉडल टॉप मॉडल है। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले इस वीडियो में। इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, डायमेंशन, वेट, प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, क्या माइलेज दे देती है, एंड इस प्राइस पॉइंट पे ये व्हीकल कितना बढ़िया रहने वाला है, एंड इंटीरियर स्पेस वगैरह हर एक बात करने वाले हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी में शॉप आने के लिए वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए मारुति सुजुकी, बिल्कुल वाराणसी मोटर्स पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भाई स्क्रीन पे शेयर होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर हम बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं गाइस। की से तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको अपने देखने को मिल जाती है एस्प्रेसो में। यहाँ पे 2 बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक के पीछे के सुजुकी की ब्रांडिंग, एंड दूसरी की आपको नॉर्मल फिजिकल की मिलती है भाई। एंड गाइस, अगर बात कर लेते हैं वेरिएंट, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग की, तो एस्प्रेसो ऑफर होती है टोटल 8 वेरिएंट 7 कलर ऑप्शन के साथ। प्राइसिंग की बात करें तो स्टार्ट होती है बेस मॉडल से 4.2 लाख एक्सोरूम, टॉप मॉडल तक जाती है 6.1 लाख एक्सोरूम। आपके सामने VXI प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन खड़ी हुई है, इसकी प्राइस आपको 5.5 लाख एक्सोरूम कॉस्ट करेगी, मोटी मोटा ऑन रोड 6.21 लाख तक चली जाती है। एंड गाइस, जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड गाइस, अब फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाती है अपने एस्प्रेसो में। काफ़ी बोल्ड लुक एक तरीके से निकल के आ जाती है, सिटी वगैरह में राइड करने के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की व्हीकल है, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह भी सही है। सबसे पहले गाइस ऊपर देखेंगे तो अपने को मिल जाती है रेडियो एंटीना, यहाँ पे आपको मिल जाएगी भाई। वाइपर्स हुड पे अपने को मिल जाती है, वॉशर की प्लेसमेंट काफ़ी फ्लैट सा हुड मिलता है। हेडलैम्प को देखें गाइस, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप के साथ हेडलैम्प मिलते हैं, टर्न सिग्नल उसी में मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया सी गाइस यहाँ पे आपको ग्रिल देखने को मिलेगी क्रोम इंसर्ट के साथ, यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे आपको कोई भी फॉग लैम्प की प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, कुछ कट्स एंड डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। टोइंग हुक की सेटअप मिलेगी, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप मिल जाती है, बंपर पूरा आपको स्मोक ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। एंड गाइस, ये प्रॉपर इसकी रही फ्रंट प्रोफाइल अपने एस्प्रेसो की। बाकी गाइस यहाँ पे आप देखेंगे लोअर ग्रिल भी पूरा स्मोक ब्लैक कलर में ही देखने को मिलता है। फ्रंट प्रोफाइल मैंने दिखा दिया, यहाँ पे आपको कुछ क्रोम की इंसर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं, एक बढ़िया लुक अपने व्हीकल में आ जाता है भाई इसकी वजह से। बाकी गाइस अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये भाई इसकी ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल अपने एस्प्रेसो की। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले व्हील्स को देखेंगे तो यहाँ पर सीट की टायर आ जाती है, रिम व्हील आते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं, रियर में डम ब्रेक आ जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे अपने को 165x70 सेक्शन टायर मिल रहे हैं विद 14 इंचेज ऑफ रिम व्हील। यहाँ पे आपको फुल बॉडी क्लाइडिंग मिलेगी, टर्न सिग्नल मिल जाते हैं फेंडर पे, यहाँ पे बॉडी कलर सुहावे मिल जाते हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स बीडिंग रूप ब्लैक कलर के ही आते हैं। यहाँ पे एक क्लाइडिंग नीचे मिल जाती है जो कि एसेसरीज का पार्ट है भाई। यहाँ पे आपको फ्यूल नोब मिल जाता है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो भाई इसमें अपने को मिल जाती है टोटल 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि इस सेगमेंट की व्हीकल्स के लिए काफ़ी इनफ है। रियर में ड्रम ब्रेक, फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जा रहा है। अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरह। काफ़ी फ्लैट फ्रंट से भी लगती है, एंड काफ़ी फ्लैट आपको रियर से भी लग जाएगी भाई अपने एस्प्रेसो। ऊपर अपने को मिलेगा स्पॉइलर, यहाँ पे आई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर कुछ भी नहीं आता, सुजुकी ब्रांडिंग फिजिकल की इनोव का सेटअप। यहाँ पे आपको एस्प्रेसो को 3D ब्रांडिंग मिलेगी। टेल लैंप आपको पूरा ही हैलोजन मिलता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा, टर्न सिग्नल, रिवर्स लाइट, हैंड ब्रेक लाइट वगैरह, नीचे नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, 2 पार्किंग सेंसर, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। बाकी गाइस प्रोफाइल आप लोगों ने देख ही लिया, एक बार इसका बूट स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, क्या बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसा ओवरऑल गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा लुक। यहाँ पे पार्सल टेप प्लेसमेंट आ जाता है, नीचे गाइस अपने को बूट स्पेस आ रहा है, एंड 240 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जा रही है। सीट आपको पूरी ओवरऑल देखेंगे तो भाई फिक्स्ड मिलती है, स्प्लिट सीट नहीं, यहाँ पे आपको किट वगैरह मिलेगा। नीचे इसकी स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट मिल जाती है, 240 लीटर की बूट स्पेस सही है व्हीकल के साइज़ के हिसाब से। एंड गाइस ये है प्रॉपर इसकी राइट साइड प्रोफाइल, जैसा लेफ्ट साइड आ रहा था वही राइट चीज़ें भी मिल जाएंगी अपने। बॉडी कलर अपने को डोर हैंडल, बॉडी कलर, वार्मिंग वगैरह, रिक्वेस्ट सब वगैरह नहीं आता, फिजिकल की के थ्रू आपको काम बिल्कुल चलाना पड़ेगा भाई। ये था भाई इसका ओवरऑल वॉक अराउंड अपने एस्प्रेसो VXI प्लस का। अब बात कर लेते हैं भाई इसके ओवरऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या ओवरऑल इसमें डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स मिल जा रहा है। तो वैसे अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो 3565 mm की लेंथ, 1520 mm की ओवरऑल वेट, 1567 mm की हाइट, व्हील बेस 2380 mm की मिल जा रही है। एंड गाइस अगर बात कर लेते हैं कर्वेट की तो 775 kg की कर्वेट मिल जा रही है। एंड गाइस अगर ग्राउंड क्लियरेंस को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एस्प्रेसो में ऑफर हो रही है, काफ़ी सही ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। तो थोड़ा सा इसको लेकर आप ऑफ रोडिंग वगैरह भी जाएंगे तो जहाँ पे रास्ता बेकार है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है भाई। सेफ्टी फीचर्स को देख लेते हैं तो भाई यहाँ पे आपको टोटल 2 एयरबैग, ABS, CVT, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर एज और वार्निंग, इंजन इम्यूलाइजर वगैरह, यहाँ पे उसको सेफ्टी फीचर्स मिल जा रहे हैं। रियर में 2 पार्किंग सेंसर, हालांकि पार्किंग कैमरा नहीं आता है। अब चलते हैं भाई इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या चीज़ें ऑफर हो रही हैं। सो गाइस डोर को ओपन करते हैं, कुछ ऐसा ओवरऑल अपने को डोर मिलता है। इधर गाइस अपने को प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक मिलेंगी, एंड ये जो आपको अलग से एक पार्ट मिलता है जो पियानो फिनिशिंग में है, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे लीवर वगैरह ब्लैक कलर में मिल जाते हैं हार्ड प्लास्टिक ऊपर, ये भी हार्ड प्लास्टिक। बॉटम होल्डर मिल जा रहा है, यहाँ पे गाइस आपको स्पीकर प्लेसमेंट मिल जा रही है। कुछ ऐसी ओवरऑल मिलता है पूरा भाई डैशबोर्ड जो कि पूरा ही ब्लैक आउट है, एंड कुछ आपको सिल्वर फिनिशिंग वगैरह भी मिल जाती है। बाकी गाइस हेडरेस्ट पूरे फिक्स जाते हैं, सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता है,
सीट को मैनुअल एडजस्ट करना है। ये आपको पार्ट भाई एसेसरीज का मिलेगा जो कि आप ऊपर कवर देख रहे हैं इसके सीट पे। अब चलते इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या चीज़ है अपने को भाई ऑफर हो रही है। और थोड़ा सा सीट को कर लेते हैं भाई पीछे कुछ ऐसा गाइज। ओवरऑल यहाँ पे आपको मिल जा रहा है डैशबोर्ड अपने मारुति सुजुकी एस्प्रेसो में। की को निकाल लेते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको फिजिकल की के थ्रू ही काम चलाना होगा। एंड यहाँ पे भाई इसको इंसर्ट करते हैं। जैसे ही भाई आप अपने भाई की को इंसर्ट करके व्हीकल इग्निशन पे लगाते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा ओवरऑल अपने को एनिमेशन मिल जाता है। क्लस्टर आपको सेंटर कंसोल में ही देखने मिलेगा अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा भाई। तू बंद हो जाए यार। सो गाइज़ यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऐसा ओवरऑल क्रशर इसमें देखने को मिल जा रहा है सेंटर में ही। एंड यहाँ पे गाइज़ आप पहले देख लीजिए स्टीयरिंग को कुछ ऐसा ओवरऑल अपने को सही मिलता है। सुजुकी की ब्रांडिंग कंट्रोल्स इधर आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे, राइट साइड में कोई कंट्रोल्स नहीं आते। इधर गाइज़ देखेंगे अपने को एसी वेंट्स मिल जा रहा है और एक सेकंड दूर यहाँ पे देख रहे हैं तो गाइज आपको एसी वेंट्स मिल जा रहा है, सिल्फ फिशिंग वगैरह मिल जा रही है। नीचे अपने को भाई मिल जाते हैं वर्वियम कंट्रोल, आईडेंट स्टार्ट स्टॉप और कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे आपको सीन देखने मिल जाता है। इधर से आप भाई हुड ओपन करेंगे यहाँ पे आपको लाइट कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जा रहा है और इसको क्लोज करते हैं। बाकी गाइस टॉगल्स को देखते हैं तो राइट साइड में हेडलाइट्स कंट्रोल, लेफ्ट साइड में अपने को वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट को देख लेते हैं तो भाई यहाँ पे आपको फिक्स्ड स्टीयरिंग मिलता है, कोई भी टाइप का एडजस्टमेंट नहीं आता। सेंटर में गाइस अगर एमआईडी को देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिजिटल एमआईडी देखने को मिल जाता है जहाँ पे गाइस आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिजिटल फ्यूल गेज, इधर अपने को इंजन चेक लाइट मिल जा रहा है, लो बैटरी इंडिकेशन, तो कुछ आपको यहाँ पे आपको डिसेंट से आपको इंफॉर्मेशन क्लस्टर में मिलेगी। 7 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने मिल जाता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटोएबल कारप्ले को। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है, हैजार्ड का बटन मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो भाई राउंड शेप में पूरा क्लस्टर आ रहा है जो कि भाई सिल्फ फिनिशिंग साथ आता है। मैनुअल एसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे कहते आपको 12 volt का पावर सॉकेट मिल जा रहा है। यहाँ पे यूएसबी ऑक्सिलरी पोर्ट कप होल्डर मिल जा रहा है। 5 speed मैनुअल ट्रांसमिशन साथ आता है तो गियर लीवर मिलेगा, हैंड रिप्लेसमेंट कुछ यहाँ पे स्पेस आ जाता है। नीचे आपको ग्लव बॉक्स में भी स्पेस मिलेगा डिसेंट सा। मैनुअल टेनिंग आईआरबीएम ओपन लाइट अपने को हेलोजन मिलता है। सनवाइजर देख रहे हैं तो डाइवर्ट साइड भाई नॉर्मल को डाइवर्ट साइड भी अपने को भाई नॉर्मल ही मिलता है। फिक्स हैंडल मिलता है। रूफ आपको पूरा ही बेज कलर में देखने को मिलेगा। बाकी गाइस ये था इसका ओवरऑल डैशबोर्ड। स्पेस अगर हमें ठीक है अगर आप देखते हैं तो भाई ऊपर हेडरूम वगैरह भी यहाँ पे आपको ठीक मिल जाता है। अगर मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ भाई यहाँ पे देखो हेडरूम वगैरह भी ठीक है। और इस सेगमेंट की व्हीकल ये है कि भाई अगर आपको सिटी वगैरह में राइड करना है और एक हाइटेड व्हीकल चाहिए जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया हो और हेडरूम वगैरह भी ठीक हो, बिल्कुल आप इसमें आ सकते हैं। ये था भाई इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। अब चलते हैं इसके सेकंड रो में। सेकंड रो में चलें तो गाइस यहाँ पे भी आपको बॉडी कलर हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जा रहे हैं और डोर फ्रंट की तरह मिल रहा है। बट गाइज ये टॉप मॉडल होने के बाद भी यहाँ पे आपको मैनुअली विंडो को कंट्रोल करना है। रियर फ्रंट में तो पावर आ रहा था, बाकी डोली वगैरह आप देख लीजिए नीचे कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं देखने को मिलता अपने को। यहाँ पे सीट आपको भाई देख रहे हैं कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि भाई ऊपर आपको कवर चढ़ाया गया है, हेड रेस्ट फिक्स्ड है, पीछे पार्सल ट्रे आ जा रहा है, रियर एसी वेंट्स वगैरह नहीं आता है। और डोर को करते हैं क्लोज और गाइज स्पेस को देखते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ओवरऑल नीरू मिलता है। लेगरूम फुटरूम भी सही है, अंदर थाई सपोर्ट इज डिसेंट। सेंटर पैसेंजर को थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है बिकॉज यहाँ पे आपको हम थोड़ा देखने को मिलता है। ऊपर गाइज अपने को हैंडल वगैरह फिक्स मिल जाते हैं। एंड गाइज अगर हेडरूम को देख रहे हैं तो ठीक अमाउंट का हेडरूम मिल जाता है, जितनी बाहर से गाड़ी ऊँची लगती है उस अमाउंट का तो हेडरूम नहीं मिला बिकॉज इससे ज़्यादा हेडरूम अपने को बैंगलोर में ऑफर होता है। लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं, आप लोगों ने देख लिया है ये इंटीरियर वगैरह, अंदर थाई सपोर्ट की थोड़ी सी कमी है। चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या इंजन में भाई अपने को पावर एंड टॉप देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से गाइस हम लोग इसके हुड को ओपन कर लेते हैं। इजली ड्राइवर साइड से भाई इसका आप हुड ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एक नोब। सो गाइस हुड ओपन करने में कुछ ऐसा सीन मिलेगा, यहाँ पे कोई भी इंसुलेटर नहीं मिलता। एंड भाई अपने वाइपर के लिए यहाँ पे आपको वॉशर की पाइप मिल जाती है। इधर गाइस अगर देखेंगे तो फ्यूज प्लेसमेंट, बैटरी प्लेसमेंट मिल जा रही है। ये ओवरऑल इंजन आपको देखने मिल जा रहा है जो कि 3 cylinder है। वाइपर के लिए यहाँ पे आपको वॉशर फिट उसी का जो आपको पाइप इधर जाते हुए देखने मिलेगा अपने हुड पे। इंजन स्पेक्स की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको 998 cc 3 cylinder BS6 phase 2 इंजन मिल जा रहा है जहाँ पे मैक्स पावर 65.7 bhp मिली 5500 rpm पे एंड 89 mm टॉर्क मिली आपको 3500 rpm पे एंड 24 km पर लीटर तक की अप्रॉक्स माइलेज दे देती है भाई ये। सो गाइस ये था अपने मारुति सुजुकी एस्प्रेसो VXi प्लस का फुल डिटेल रिव्यू। इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन वेट सेफ्टी फीचर्स हर एक चीज़ भाई मैंने कवर कर दिया। एंड इस प्राइस पॉइंट पे ठीक गाड़ी एक तरीके से आपको देखने मिल जाती है। अगर हाइटेड व्हीकल आपको चाहिए थोड़ी सी और मतलब अगर आप अंदर बैठ रहे हो थोड़े हाइट पे हो तो उस हिसाब से ठीक व्हीकल निकल के आ जाती है। फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह देखते हैं ठीक दे देती है। आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। रीसेल वैल्यू भी मारुति सुजुकी की काफ़ी बढ़िया है भाई। बाकी गाइस यहाँ पे आपको इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ती है अप्रॉक्स आपको 6.2 lakh तक पड़ जाती है। सही इस प्राइस पॉइंट पर आपको व्हीकल देखने को मिल जा रही है। हालांकि रियर का जो भाई विंडो था उसको पावर दे देना चाहिए था, वो मैनुअली मिलता है। बाकी इस वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी हमेशा पाने के लिए मिलता होगा। ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ टेक केयर, बाय बाय।